अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे वेज लंच। तो मेन्यू में है बघारी कढ़ी, बघारी टमाटर की कढ़ी है ये, और भेंडी प्याज का सालन। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अब हम बनाएंगे भेंडी प्याज का सालन। तो कढ़ाई में हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है और 3 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर लेंगे। तो इसको हम हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे प्याज को। तो ये देखिए प्याज का कलर अब चेंज हो गया। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये बारीक कटी हुई भिंडी। तो भिंडी ऐड कर लेने के बाद में हम 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो ये भिंडी है 500 ग्राम्स। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट तक हमने भिंडी को अभी फ्राई कर लिया था प्याज के साथ में। और इसके बाद में नमक ऐड कर लेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्ची ऐड कीजिए। और इसके बाद में इसके अंदर ऐड करेंगे अब हम धनिया पाउडर 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, बारीक कटा हुआ कोथमीर और 3 से 4 हरी मिर्ची डालेंगे। एक कप पानी ऐड कर लेंगे और इसके बाद में हम 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे लो फ्लेम पे रख के। ये देखिए अब ये भिंडी का सालन बन के तैयार हो गया। तो ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता भिंडी प्याज का सालन। तो अब ये रेडी हो गया, अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। और अब हम बनाएंगे बघारे टमाटर की कढ़ी। तो इसके लिए हमने भगोने को चूल्हे पर रख दिया है और कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे इसके अंदर। 1 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर लेंगे और इसको हल्का सा कलर चेंज होने तक हम फ्राई कर लेंगे, बादामी कलर आने तक। तो ये देखिए इसका कलर अब चेंज हो गया। तो इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक 1 टीस्पून। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्ची नमक ऐड कीजिए इसके अंदर। टमाटर ऐड कर लेंगे 500 ग्राम। तो लगभग ये 5 से 6 टमाटर है बड़े साइज़ के। तो इसको अब हम टमाटर को गलने के लिए रख देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। तो जब तक ये टमाटर गलेंगे, तो जब तक हम ये इमली को भिगा के रख लेंगे। ये है मुट्ठी से भी कम इमली, मुट्ठी भर इमली नहीं लेना है, उससे भी कम इमली लेके हम 1 ग्लास पानी डाल के भिगा के रख लेंगे। तो पहले इमली को अच्छे से धो लेना है। तो ये देखिए अब ये टमाटर अच्छे से गल गए। इसके बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे। मुट्ठी भर कोथमीर डालेंगे, मुट्ठी भर करी लीव्स और 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्ची। इमली का खट्टा ऐड कर लेंगे। तो जो इमली का खट्टा हमने इमली भिगा के रख लिया था, वो उसका खट्टा निकाल के रख लेना है, इसके अंदर ऐड कर लेना है। और ये है 3 ग्लास पानी ऐड कर लेके अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। तो ये जब तक के खट्टा उबलने पर आएगा, हम ये बेसन को भिगा लेंगे कढ़ी को लगाने के लिए। तो 3 टेबल स्पून बेसन है ये, इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको मिला लेंगे, बिल्कुल पेस्ट की तरह कर लेंगे, पतला कर लेंगे। तो जब ये खट्टा उबलने पे आ जाएगा, हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये और इसको पका लेंगे हम अब लगभग 4-5 मिनट के लिए मीडियम हीट पे रख के। तो ये देखिए अब ये कढ़ी बन के तैयार हो गई। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसको बघार लेंगे। तो कढ़ाई में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे, 1/2 कप कुकिंग ऑयल है ये, लहसुन के पोतियाँ हैं ये 6 से 7, राई ज़ीरा और ये है करी पत्ता, लाल सूखी मिर्च
और अब ये बघार बन के तैयार हो गया। तो अब हम इसको कढ़ी के ऊपर से डाल देंगे इस तरह से। आप लोग भी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है ये। तो ये दोनों चूल्हों पर रख के एक साथ में ही बना ले सकते, बहुत झटपट बन के तैयार होता, आधे घंटे के अंदर ही बन के तैयार हो जाते ये दोनों भी रेसिपीज़। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।